हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फाइनली शैतान मूवी का आज डे 14 है बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी के डे 14 की एडवांस बुकिंग की जो फाइनल रिपोर्ट है वो निकल कर आ चुकी है। इसका यानी कि आज इस मूवी की कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कितने टिकट सोल्ड आउट हुए हैं और उसके साथ साथ इस मूवी के पास कितने ज्यादा शोज हैं और वहीं इस मूवी ने कल डे 13 के ऊपर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेट को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैतान मूवी इस टाइम बॉक्स ऑफिस पर नॉन स्टॉप कलेक्शन कर रही है और भाई साहब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और वहीं अगर बात करें कल डे 13 की, तो भाई साहब कल इस मूवी के जो शोज हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल के हुए। आप सभी को पता है कि नाइट में मैंने सभी को बोला था कि आज इस मूवी के जो नाइट शोज होंगे वो काफी ज्यादा तगड़े होंगे और फाइनली जो नाइट शोज हुए थे वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा कमाल के हुए थे। यानी कि मॉर्निंग शोज की ऑक्युपेंसी रही थी लगभग 8.5%, आफ्टरनून शोज की ऑक्युपेंसी रही थी 12%, इवनिंग शोज की ऑक्युपेंसी रही थी 12% और नाइट शोज की जो ऑक्युपेंसी थी वो 22-15% तक गई थी। यानी कि नाइट शोज में जंप देखने को मिला था। और वहीं उसके साथ साथ आप इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो फाइनल अर्ली एस्टिमेट निकल कर आए हैं डे 13 के वो 2.80 करोड़ के। यानी कि इस मूवी ने अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से 2.80 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है अपने डे 13 के ऊपर, जो कि काफी अच्छा और तगड़ा कलेक्शन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस मूवी ने डे 12 के ऊपर पूरे इंडिया से 3 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है और वहीं अर्ली एस्टिमेट 2.80 करोड़ के आ रहे हैं। तो भाई साहब जो फाइनल कलेक्शन है वो शायद 2.90 करोड़ भी आ जाए या 2.95 करोड़ भी आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहे हैं उससे ज्यादा इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर थोड़ी देर बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ऑफिशियल रिपोर्ट है वो निकल कर आ जाएंगे। और वहीं अगर बात करें आज डे 14 की, तो भाई साहब सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस मूवी के शोज कहां कहां पर है। तो यहां पर मुंबई में आज इस मूवी के पास 639 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर में 778 शोज हैं, पुणे में 246 शोज हैं, बेंगलुरु में इस मूवी के पास 213 शोज हैं, हैदराबाद में 155 शोज हैं, कोलकाता में 188 शोज हैं, अहमदाबाद में 314 शोज हैं, चेन्नई में 28 शोज हैं, सूरत में 154 शोज हैं, जयपुर में 107 शोज हैं, चंडीगढ़ में 68 शोज हैं, भोपाल में भी 68 शोज हैं, लखनऊ में 158 शोज हैं। यस, यानी कि आज भी इस मूवी के पास पूरे इंडिया में लगभग 8000 से ज्यादा शोज हैं। यस, यानी कि इस मूवी के शोज ड्रॉप नहीं हुए, बल्कि आप कह सकते हैं कि जब से योद्धा मूवी का वीकेंड के बाद वर्किंग डे स्टार्ट हुए ना, तो वहां पर उस मूवी के शोज ड्रॉप हुए हैं और शैतान मूवी के इंक्रीज हुए हैं और शैतान मूवी के पास शोज ज्यादा है, जिसकी वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बायस अब स्टिल अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहां पर अगर बात करें आज इस मूवी की एडवांस बुकिंग की, तो पिछले 24 घंटों में इस मूवी के बुक माय शो पर 54,400 टिकट सोल्ड आउट हुए। यानी कि 54,400 इस मूवी के पिछले 24 घंटों में बुक माय शो पर टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और इस मूवी की एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग इस मूवी की पूरे इंडिया से डे 14 की 37 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। यस, यानी कि 37 लाख की आज भी इस मूवी की पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग हुई है। और भाई साहब, ये मूवी अगेन वीकेंड में तबाही मचाएगी। यस, यानी कि ये मूवी 150 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लाइफ टाइम करने में कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये मूवी चल रही है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली ये मूवी एग्जाम्पल सेट करने वाली। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी आज भी 22.5 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी या नहीं करेगी? हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।